गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? और खूब सारा स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग हमारे इस ब्लॉग में और हमारे चैनल बिंदास ब्लॉग में। तो अभी अभी तो सुबह हो हुआ है, मतलब थोड़ा देर हो गया। इतना ठंडा लग रहा था कि थोड़ा लेट करते करते अभी हम जस्ट नहा के आए हैं। तब तक मम्मी उधर बना रही है, तो अभी जा रहे हैं उधर। तो और आज है छठ पूजा, तो जितने भी हमारे बिहारी फ़ैन होंगे या जो भी होंगे, जितने जितने सारे मेरे फ़ैन हैं, सबको हैप्पी 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 छठ पूजा। सबको छठी माता हमेशा खुश रखे और आगे बढ़ाए। आपके फैमिली में सबको ही अच्छे से रहे, सबको ही आगे बढ़े, तो माता रानी हमेशा आपके साथ रहे। और फिर और आप लोग के आशीर्वाद से और माता रानी के साथ से हम लोग भी आगे बढ़े, हम लोग भी अच्छे से रहे। और तो अभी हम चलते हैं नीचे प्रसाद वगैरह बनाने। तो ऐसे ही आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा इन तक, और स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज है छठ पूजा, तो छठ पूजा वाला सारा हम ऐड करेंगे इसमें। तो फिर आइए चलते हैं। अभी हम लोग प्रसाद बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये देखिए बहुत सारा, मतलब ये मम्मी भी कुछ कुछ कर रही थी और हम भी कर रहे थे, जल्दी जल्दी मिलके काम कर रहे थे। थोड़ा सा लेट भी हो गया था आज, तो ये देखिए जल्दी जल्दी। और फिर ये दौरा वगैरह धोना होता है, तो फिर हम छत पे लेके चले आए ये सब धोने। तो ये सारा सामान धो के हम रख दिए हैं धूप में, कि धूप में सूख जाएगा, और उसके बाद नीचे ले जाके हम इसको संभाल दिए थे। तो ये देखिए सारा सामान संभाल दिए हैं, और उधर जो बन रहा है पंखुड़ी है, सब कोई है, सब कोई मिलजुल के बनाया था, रानी भी थी, सब कोई था। तो ये देखिए सारा उस दिन सारा कुछ, मतलब इतना बिजी हो जाता है आदमी, इतना जल्दी जल्दी सब करना पड़ता है। तो सारा सामान देखिए, हम अर्घ कोसी सारा कुछ संभाल के रख दिए थे। और पता है गाइस, मेरे यहाँ मतलब हर साल 24 कोसी ही रहता है, तो इस साल भी वही था। पापा भी साथ में बनवा रहे थे, और अब शाम हो गया था, हम लोग घाट छठ घाट के लिए निकल गए। तो ये देखिए अभी गेट पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट वगैरह हो रहा है, तो अभी हम लोग निकल गए हैं छठ घाट के लिए। तो अभी चलते हैं, तो आइए रास्ते में। और ये बउआ से पूरा जाता नहीं, तो उस वो बस घर में से निकाल देता है, और पापा फिर लेके जाते हैं। और फिर अभी हम लोग रास्ते में हैं रोड पे। ये देखिए अभी चल रहे हैं छठ घाट, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन थोड़ा दूर है, लेकिन हम लोग पैदल जाते हैं, बहुत मज़ा आता है सबके साथ। और ये जो है वो मेरी बुआ जो उस दिन आई थी, मतलब रानी की बुआ है, उनकी दोनों बेटी है। तो अब हम लोग अर्घ दे रहे थे, शाम वाला अर्घ, वो जाते जाते ही दिलाता है पहले अर्घ, उसके बाद फिर बैठना होता है। और सुबह वाला तो पहले सुबह से ही बैठता है लोग, फिर जब सूरज भगवान निकलते हैं तब अर्घ दिलाता है। तो ये देखिए हम लोग छठ घाट पे बैठे हुए थे, और कितना भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो बोल के हम शूट नहीं कर पाए कुछ। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ था। और छठी मैया को देखिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और प्रणाम कर लीजिए, माता रानी आप लोग की भी सारी मनोकामना पूर्ण करें। और फिर हम लोग आ रहे थे जब वापस, तो अंधेरा भी हो गया था थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिए, अंधेरा हो ही गया था। तो उसके बाद आए तो जल्दी जल्दी से कोसी का भी सब काम करना था। और गाइस आप लोग बताइएगा कि मम्मी का ये साड़ी कैसा लग रहा है, ये पहनी थी तो बहुत सुंदर लग रहा था। और फिर अभी हम लोग आंगन में, मतलब आंगन मेरा खुला आंगन नहीं है, यहाँ वाला हॉल है, तो उसी में हम लोग कोसी भरते हैं। तो कोसी सब संभाला जा रहा है, पापा छोटे पापा बउआ अंकल जी जो रानी के पापा सब लोग थे। तो ये देखिए हम लोग सारा कुछ संभाल दिए हैं, तो कितना सुंदर लग रहा है। और बाहर सब पटाखा बजा रही थी शिबू पंखुड़ी सब, और गाना भी गा रहा था लोग सब कोई। तो हम लोग बैठे थे थोड़ा देर, गाना वगैरह हुआ, फिर जब दीप जलना जब खुद से जब बुझ जाता है तब हटाया जाता है। तो जल्द खुद से बुझ गया, हटाया गया। और सुबह में कोसी के टाइम हम छठ घाट पे नहीं गए थे, इसलिए शूट नहीं कर पाए, और थोड़ी कोसी के थोड़ा देर बाद गए हम। तो ये देखिए कितना ज़्यादा भीड़ था छठ घाट पे, और अभी सारा लोग चला भी गया है, अब सिर्फ हम ही लोग हैं। तो ये देखिए सारा छठ घाट खाली हो गया है, और हम लोग बस फ़ोटो शूट वगैरह करवा रहे हैं।
तो ये देखिए बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक साल के बाद तो सारे कोई एक साथ मिलते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा लग रहा था। और पंखुड़ी बैलून भी खरीदवा ली थी, कल भी खरीदवाई आज भी। और पता है गाइस, ये जो स्कूल है ये मेरे गांव का स्कूल हाई स्कूल है, तो यहाँ से हम मैट्रिक किए हुए थे, मतलब मेरा एडमिशन था इसी में। पंखुड़ी दौड़ के गई है झूला झूलने। बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत अच्छा है। इधर मम्मी और रानी की मम्मी आंटी हैं, वो दोनों आदमी आ रहा था लोग, तो हम लोग आ रहे थे बात बात करते करते, और फिर घर आए तो जल्दी जल्दी हम लोग सब कोई पापा तब तक कुछ कुछ बनाए थे, फिर जल्दी जल्दी मिलके हम लोग खाना बनाए। और ये देखिए खाना में बनाए थे दाल चावल कोमड़ा का सब्जी पकौड़ी भी, और ये सब अभी तो जिस घर में पूजा हुआ था उसी घर में मम्मी खा रही है, उसी घर में खाया ही जाता है, पुआल वगैरह डाल के इसी पे सोई भी थी। अभी सारा घर अस्त व्यस्त ही है वैसे ही, तो पहले खाना वगैरह खाई है, और उसके बाद गाइज हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।